नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? फॉरएवर ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज मैं अपनी अचीवमेंट्स नहीं बताऊंगा। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, मतलब जो जो अचीवमेंट्स हैं। मेरा ड्रीम एक था कि मैं वो ना करूं। क्यों? क्योंकि अगर खाली मैं करूं, मैंने अपनी टीम्स को देखा, मेरे पास पैसे हैं, कार है, मैं इंजॉय कर रहा हूं, पर मेरा कोई टीम मेंबर वो बाइक के पेट्रोल के लिए टफ टाइम्स देख रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो आई ड्रीम्ड कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी टीम मेरे से आगे हो, मेरे से बेटर लाइफ इंजॉय करे। मैं सिंपल सी फैमिली से हूं, मिडिल क्लास जैसे हम ज्यादातर लोग होते हैं इंडिया में, नॉर्मल सी फैमिली से, पर बहुत बड़ा ड्रीमर रहा हूं बचपन से। कॉलेज पढ़ रहा था बीकॉम की, तो बीकॉम करते हुए बड़ी सिंपल लाइफ, तो प्रोफेसर्स को देखना, ट्यूशन पढ़नी और कैलकुलेट करना। प्रोफेसर के पास इतने बच्चे आते हैं, मतलब इतने हजार, तो मैं भी प्रोफेसर बनूंगा, पैसे कमाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, वो माइंडसेट था। कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्पोर्ट्स कार्स देखी मैंने, रूम में कार्स के पोस्टर्स लगाने, पेपर्स में आनी, कटिंग मैंने करके रूम में लगानी। कोई रास्ता नहीं, बस माइंड में यही था बीकॉम होगी, अच्छे मार्क्स लेंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, घर में ऊपर वाला रूम बना देंगे, उसमें लगा देंगे टेबल चेयर, बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसे कमाएंगे। फादर साहब गजटेड पोस्ट पे थे, बहुत अच्छी पोस्ट। वो हमें बोला करते थे दोनों भाइयों को कि आप अच्छा पढ़ो, आईएएस ऑफिसर बनो। तो कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा ड्रीम आने लग गए। मैं, संदीप जी दोनों पढ़ा करते थे, संदीप जी थोड़ा ज्यादा पढ़ा करते थे, मैं थोड़ा ठीक ठाक था उनसे, पर एक ही फोकस होता था, पढ़ाई पढ़ाई, जीवन में कुछ करना है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा ईमानदारी से बहुत मेहनत करते थे। फादर साहब उस जमाने में कहते थे कि मैं एक पैसा कभी जीवन में रिश्वत नहीं लूंगा, कभी एक चाय का कप नहीं पीऊंगा किसी से। सो बच्चों, आपने ऐसी मेहनत करनी है कि आप अपने दम पे कामयाब हो जाओ। अगर आपको नौकरी लगवाने के लिए 100 रुपए देने पड़े ना, मैं नहीं दूंगा, मैं हराम की कमाई ना दूंगा ना लूंगा। आपको अपने दम पे लड़ना है। बड़े सारे इंसिडेंट्स हैं सुनाने के लिए। सो हम दोनों भाइयों ने सोचा था कि अपने दम पे कुछ करेंगे। दोनों ने बीकॉम की, माइंड में थोड़ा बहुत मॉडलिंग ये वो ऐसा होता था, तो मैं पंगे लेता रहता था कुछ ना कुछ साथ में टाइम पास के लिए, कि शायद पंजाब में होता है ना कि वो पंजाबी बच्चे को लगता है गाना आएगा, उसमें मॉडलिंग कर लेंगे, 4 पैसे बन जाएंगे। माइंड में वो भी होता था, शौक होता था, तो अपना एक्स्ट्रा टाइम में यूज करता था। क्रिकेट खेलता था और ये काम करता था, बस स्पोर्ट्स पर्सन। हेल्थ का शौक था, तरह तरह के योगा ये वो, हेल्थ का बहुत ज़्यादा। हमारी फैमिली में हमारे जो परनाना जी थे वो बेसिकली एक बहुत बड़े वैद्य थे, तो घर में नेचुरल हर्ब हर्बल जो भी चीज़ें हैं उनको क्या कैसे यूज़ करना वो मैंने बचपन में सीखा। तो बड़ा शौक होता था हेल्दी रहने का, अच्छा खाने पीने का, स्पोर्ट्स खेलने का, हल्का फुल्का टाइम मॉडलिंग में देने का। लाइफ चलती गई चलती गई, मॉडल नहीं बन पाए, क्योंकि छोटे से बच्चे को लगता है पता नहीं मैं भी आमिर खान बन जाऊंगा। बाद में पता चलता है हमारी शक्ल ऐसी है नहीं, हमारे से बेटर बहुत दुनिया घूम रही है, हम नहीं बन पाएंगे, राइट? धीरे धीरे पता चलता है। जॉब शुरू हो गई, दिल्ली की फोटोग्राफ्स हैं, आगे बढ़ती गई लाइफ धीरे 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 धीरे। बढ़िया, ज्यादातर फोटोग्राफ्स जो आप देखेंगे वो पार्क्स वगैरह की हैं। पार्क मतलब फिटनेस, जिम, रनिंग, जॉगिंग, योगा, बहुत ज्यादा उनमें रहा मैं। और वही रीजन बना फिटनेस, उन चीजों से जो प्यार था, धीरे धीरे कहीं ना कहीं माइंड में वो चीजें चलती थी कि कुछ करना है, कुछ करना है लाइफ में। बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए हेल्थ के लिए। यहाँ पे मैगजीन में देखेंगे आप हेल्थ, बहुत ज़्यादा इसको स्टडी करना कि अपनी हेल्थ को बढ़िया कैसे रख सकते हैं, फिट यंग हेल्दी कैसे रह सकते हैं। वही रीज़न बनी कि सर्च शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं फॉरएवर आ गया लाइफ में। एमबीए की बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से हम दोनों भाइयों ने बड़ी मेहनत की, बड़े अच्छे मार्क्स लिए, बड़ी अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में मौका मिला AIG जैसे ब्रांड में काम करने का, मेट लाइफ वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं ये, इनमें काम करने का। तो यू कैन इमेजिन वर्ल्ड की जो टॉप फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें काम करना, वहाँ ट्रेनिंग लेनी। फॉरएवर लाइफ में आई तो मैंने कभी सोचा नहीं ज़्यादा, मैंने जब ठान लिया कि इसको करना है तो करना है। ये मैं हैदराबाद जा रहा था पीछे फ्लाइट लेके, अकेला बंदा, इतना दम होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं सक्सेस डे का पास ले या ना ले, ये हैदराबाद की पिक है, मैं फ्लाइट लेके जा रहा हूँ वहाँ देखने के लिए। धीरे धीरे शुरू कर दिया, क्या होता है फिर जब शुरू करते हैं तो इतना बड़ा चैलेंज आ गया। लाखों रुपए कमाते थे, अच्छा पैकेज था, कार्स थी, सब कुछ था। पेरेंट्स ने देखा, एमबीए करने में बड़ी मेहनत लग गई पेरेंट्स की और हमारी, दिन रात एक कर दिया, बड़े टफ टाइम्स देखे, पैकेज मिला छोटा सा, फिर धीरे धीरे मेहनत करके प्रूव किया अपने आप को, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। जब अच्छा पैकेज हुआ तो सब छोड़ के जब एक बच्चा शुरू कर दे, पड़ोसी रिश्तेदार सब ये बोलते हैं बच्चा फेल हो जाएगा, ये क्या काम शुरू कर लिया।
मेरे कई रिलेटिव्स, क्योंकि सब आपको प्यार करते हैं, वो कहते हैं मनदीप हमें समझ नहीं आती लोगों को क्या बताएं यार, तुमने क्या काम शुरू कर दिया। कहां हम प्राउड से कहते थे हमारा बच्चा ये है वो है, आज क्या बताएं ये बॉटल सी लेके घूमता है। तो बॉटल मैं अभी भी लेके घूम रहा हूं, दो यहां पी ली हैं, एक बड़ी बॉटल घर से पी के आया हूं, और जब मैं लंदन जाता हूं, पेरिस जाता हूं, इटली जाता हूं, हवाई जाता हूं, तब भी बॉटल लेके घूमता हूं। आई एम सो प्राउड इस बॉटल के लिए। धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू की, जब मैं आया तभी से हजारों लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी, मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, बस आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, पता ही नहीं चला। जो मेरे ड्रीम्स थे, पीछे आप देखेंगे वॉशिंगटन डीसी की वो फोटोग्राफ थी, ऐसे होटल, ये एमबीए में मैंने अपनी असाइनमेंट में इस होटल की पिक लगाई थी। आई नेवर न्यू आई विल ज्वाइन फॉर एवर, आई नेवर न्यू आई विल स्टे इन दिस होटल, गेलॉर्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट। ये मेरा ऑफिस था, यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड पे ओंकार जी की फोटो नजर आ रही है ऑरेंज टर्बन में, उधर आप देखेंगे गुरविंदर जी। ऐसे ट्रेनिंग होती थी, इतना भीड़ होती थी, सब मतलब जो रेलिंग नजर आ रही है उसके साथ लटकना भी पड़ता था, पर हम में ट्रेनिंग देने का दम था और ट्रेनिंग लेने के लिए जो लोग आते थे उनमें शौक था सीखने का। तो आप देखेंगे यही बच्चे आगे चल के धीरे धीरे मेहनत करते हुए, ट्रेनिंग्स लेते हुए, दिन रात एक कर दिया हम सब ने, और चलते चलते नेक्स्ट पिक्स आएंगे, आप देखेंगे फिर उसके बाद क्या बना। वाइफ को, मेरे को वॉशिंगटन जाने का मौका मिला। वॉशिंगटन डीसी कैसी जगह, हवाई कैसी जगह, आई हैव सो मैनी ट्रिप्स, रात को समझ नहीं आ रहा था कौन कौन सी ट्रिप्स दिखाऊं। सिंगापुर कैसी जगह, हांगकांग कैसी जगह, लॉस वेगस कैसी जगह, पेरिस कैसी जगह जी। सो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज घूमने का मौका मिला, इतनी प्यारी, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलस, मैक्सिको, कैनकुन, संदीप जी भी साथ में, बहुत सारे टीम मेंबर्स, हम सब धीरे धीरे जाने लग गए, फॉरेन घूमने लग गए, जगतारण जी, बहुत सारे लीडर्स, मलेशिया, दुबई, कैलिफोर्निया, ग्रीस। क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जब मैं बीकॉम में था मैं 15,000 प्रोफेसर बन के ट्यूशन पढ़ा के 20,000-25,000 कमाना चाहता था, कभी माइंड में नहीं आया, ना ही पेरेंट्स बता सकते थे। एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर मिस्टर देवराज, हमारे वहां से फिरोजपुर से, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, एक दिन वो कॉलेज में लेक्चर देने आए और वो कहते हैं मैं एक दिन के भी 1,00,000 कमा लेता हूं, और हम सब बीकॉम में थे, सबके मुंह खुल गए हैं। उस जमाने में 1,00,000 बहुत बड़ी चीज थी। मेरे फादर साहब गजेटेड पोस्ट पे थे और उस समय शायद 28,000 के आसपास उनकी सैलरी थी उस जमाने में, और बहुत बड़ी अमाउंट होती थी गजेटेड पोस्ट पे ग्रीन पेन वाले आदमी की, 28,000 सैलरी। मेरे होश उड़ गए, 1,00,000 रुपए ऐसे ही कमा लेते हैं। तो लगा माइंड बड़ा हुआ, तो जो उन्होंने ड्रीम दिखाए उसकी पावर से माइंड बड़ा हुआ। इसलिए आज मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, आपको दिखाकर मुझे कोई फायदा नहीं होना, ये बड़ी पुरानी फोटोज हैं, मैं ये लाइफ जी चुका हूं, जी रहा हूं, मेरे टीम मेंबर्स जी रहे हैं, आपको शो करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट शायद यहां हजारों मैनेजर मनदीप कंबोज बैठे हुए हैं जिनके ड्रीम जाग गए ना, वो कमाल कर देंगे। लिमोजिन सपना होता था, फॉरेन गए, लॉस वेगस गए, तो आप देखिए लिमोजिन में घूम रहे हैं, है ना, कभी गोल्डन कलर की, कभी ब्लैक कलर की, तो कभी ये अपने खर्चे पे, वहां पैसे मिलते हैं खर्च करने को, मैंने कहा इसको एंजॉय करो, स्पेंड करो। ऐसे ऐसे होटल्स में रहने का मौका मिला, स्टॉकहोम, स्वीडन, ग्रीस, बहुत सारे टीम मेंबर्स हमारे साथ जाकर आए, कंपनी के ऑफिस को विजिट करने का मौका मिला, ये वहां के फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। रेक्स सर, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए, खड़े होकर होनी चाहिए, खड़े होकर, ही इज सो अमेजिंग, हमें देख रहे होंगे, वो आज भी हमारे साथ हैं, उनका सब कुछ हमारे साथ है, धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब टॉप बन गए, नंबर वन बन गए, कभी ना सपना था ना ही ऐसा मन में था। जिस दिन नंबर वन आया, मुझे ये नहीं था मैं नंबर वन, मैं ये, मुझे सिर्फ एक ही था, मैं नंबर वन। और कल मैं देख रहा था मेरी टीम में एक बाइक पे 5-5 बंदे चढ़ के आ रहे थे, आई शुड नॉट बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं नंबर वन, मेरा चेक इतना, मेरा वो, इनके लिए कुछ करें। सो दिन रात ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स, जितने पैसे कमाने सारे ट्रेनिंग में, जितने पैसे कमाने सारे ट्रेनिंग में। स्टार्टिंग वाली आपने जो इवेंट्स देखे वो उस जमाने की थी जब मेरे को पैसे चाहिए थे, मैंने स्टार्ट किया था, और तब भी सारे पैसे ट्रेनिंग अरेंज करने में, हॉल्स बुक करने में हम लगा देते थे। मौका मिला तो रेक सर को, फैमिली, पेरेंट्स, सब मिले, दिल की बातें की, बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे,
जनरल पीएन हून साहब, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेहनत करते गए दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक। चैलेंजेस आ गए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कभी प्रोडक्ट शॉर्ट हो गए, कभी कुछ हो गया, तो मैंने कहा इतना दम भरा है हमारे में। जो भी ट्रेनिंग्स ली हैं लाइफ में, चाहे एमबीए से, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूं, अपने कॉलेजेस का और अपने जितने भी टीचर जो बॉसेस रहे मल्टीनेशनल कंपनीज से, जो हमें ट्रेनर फॉरेन से आए, उन्होंने बहुत सारी हमें ट्रेनिंग्स दी, तरह तरह की स्किल्स दी, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और चाहे और हजारों। मैंने कहा प्रोडक्ट शॉर्ट हो गए तो कागज पे भी लिखा होगा ना फॉर एवर, उसको भी हम सेल कर देंगे, इतना दम रखते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। मैं, मेरी टीम, दिन रात हम काम करते हैं ताकि हम नई नई चीजें, नई नई ट्रेनिंग्स बनाते रहें अपनी टीम्स को ट्रेन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ऑफिस में एक समय था, लोग कहते थे गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती। मेरी टीम में बहुत सारी लड़कियां यहां बैठी होंगी, उन्होंने ऑफिस में आना, रोना, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा। तो मैंने कहा ना पेरेंट्स को आप लेकर आओ, एंड टुडे आई एम सो हैप्पी कि आज उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। आज वो आते हैं, वो सारी गर्ल्स ग्रो हो रही हैं, उनके पेरेंट्स प्राउड हैं। छोटी सी पेंट्री है ऑफिस में, फोटोज में पता नहीं चलता क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ छोटे छोटे कोनों के फोटोग्राफ्स हैं। ये ऑफिस की वीडियो देखें तो फिर पूरी समझ आती है क्या ऑफिस है। टीम्स आती हैं, हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। सो मेरा सपना था कि मैं एक दिन जो भी पैसे कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा पैसे मैं अपनी टीम के ऊपर, ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए। मैं करोड़पति बन गया, ये बढ़िया बात नहीं है। जिनकी वजह से बन रहा हूं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो बाइक पे हैं, वो भी करोड़पति बने, तब मुझे खाना खाने में मजा आएगा। सो अब मैं अपना खाना बड़ा मजे से इंजॉय करता हूं। पहले ऑफिस बनाया, रेंटेड हाउस में रहा मैं। ये ऑफिस के फोटोग्राफ्स हैं कुछ। अब टीम्स आती हैं, हम सब वहां मिलके एंजॉय करते हैं, बैठते हैं। आप ही सपने लीजिए अपनी टीम्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जो आपके साथ दिन रात चलते हैं। छोटा सा मैंने घर बनाया क्योंकि सपना होता है। जब पेरेंट्स ने एमबीए कराई, मेहनत की, आगे बढ़े, दिन रात एक कर दिया, तो पेरेंट्स को कंफर्ट देना चाहिए। तो पेरेंट्स का ड्रीम था, वी आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल फैमिली, तो पेरेंट्स का ड्रीम था घर में सब्जियां, फल। हमारे पुराने घर में भी थे फिरोजपुर में, बट जब यहां आ गए तो हम रेंटेड हाउस में रहे। आई ट्राइड एक अच्छा घर लिया, बट पेरेंट्स को फिर भी ये लगता था कि वहां फिरोजपुर में हमारी कोठी और उससे भी बड़ा साथ में किचन गार्डन था, तरह तरह के फल सब्जियां सब कुछ। तो क्योंकि वो चीजें जब यहां नहीं मिली तो पेरेंट्स थोड़ा फील करते थे कि हम फंस गए छोटे से इसमें। तो मुझे ये होता था मैं जल्दी से जल्दी मेहनत करूं और एक बड़ा सा घर बनाऊं। बट मैंने घर बाद में बनाया, रिसेंटली जस्ट मैं अभी शिफ्ट हूं, एक डेढ़ साल पहले। टीम को जो चाहिए था वो पहले दे दिया। सो आपको सबसे बड़ा मैसेज, मुझे कल जब सक्सेस डे था तो हजारों लोगों ने लिखा कि सर कल अगर आपकी टेस्टिमनी हो तो टिप देना। तो मैं रात भर 12:30 के आसपास तक मैं पीपीटी अपडेट कर रहा था कि आपके ड्रीम्स जगा दूं। आप खाली फॉरएवर में पैसे के लिए आएंगे तो शायद पता नहीं क्या होगा, बट अगर आप ड्रीम्स के लिए आएंगे ना, जैसे मैंने कहा था, मैं डे वन पे जब आ गया तो बस मैं यहीं हूं। चैलेंजेस आए, सब कुछ हो गया, कभी प्रोडक्ट ही खत्म हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 7 महीने 8 महीने 1 साल हम तो हैं, हम तो खत्म नहीं हुए। फॉरएवर इज हेयर फॉरएवर। ग्रीन हाउस बनाया, घर में चारों तरफ ग्रीनरी है। ये आपके ड्रीम बना रहा हूं ताकि आप भी कुछ प्लान कर पाओ। छोटा सा पूल बनाया, वो भी चारों तरफ से ग्रीन। जब मैं वहां बैठता हूं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता ऑक्सीजन लेवल, फ्रेशनेस, कितना एंजॉय करता हूं। तरह तरह की हर्ब्स, जो मतलब आप नाम लीजिए किसी हर्ब का, ये रात का सीन है, रात को भी ऐसी फीलिंग होती है बाहर घर के। सो चारों तरफ ग्रीनरी, प्यारे प्यारे फूल, बहुत सारी चिड़ियां, तितलियां। तो मुझे लगता है नेचर को भी हम लाइफ देते हैं। सो मैं लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं, नेचर को भी कुछ हमें वापस देना चाहिए। बर्ड्स घर में बहुत सारे होते हैं। सो नेचुरल लाइफ किसी को चाहिए ऐसी? उसके लिए कुछ नहीं मैंने किया, सिर्फ 13 साल दिन रात एक कर दिया बस। घर में फ्रूट्स हों, घर के ताजा फ्रूट्स तोड़ें कैसा लगेगा। ये नेक्स्ट फोटोग्राफ्स जो है ना, ये थर्ड फ्लोर की फोटोग्राफ है। थर्ड फ्लोर पे भी पेड़ पौधे हैं, ये चंदन का पौधा है। कैसा लग रहा सीन? कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के लिए ड्रीम बनाकर जाइएगा, अपने पेरेंट्स के लिए ड्रीम बनाकर जाइएगा। ये ड्राइंग रूम है, बाहर से सनलाइट सीधी आती है रूम में। ये मेरे पेरेंट्स का रूम है जो उनका फेवरेट कलर था।
ये मेरा रूम है, पर थोड़ा अटैच करते जाइएगा इन चीजों को। अपने नेक्टर से डिजाइन किया इस उसको, नेक्टर की कलर मैचिंग है इस रूम की। ये मेरा रूम है क्योंकि नेक्टर मेरा फेवरेट है। ये पेरेंट्स का रूम है, ये वॉशरूम है, इसलिए दिखा रहा हूं। वॉशरूम भी ग्रीन है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा वेंटिलेशन है। ये फर्स्ट फ्लोर है, थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स जो मेरे को मिली, ज्यादा मैंने फोटोग्राफ्स खींची नहीं हुई, वही दिखा रहा हूं आपको। ये येलो थीम किससे मिलता है? अपनी जेल से। ये ड्राइंग रूम है, सारी फैमिली बैठकर यहां पे बहुत एंजॉय करती है। सो मेरा ड्रीम है आप भी सब कुछ ऐसा सोचें, अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लान करें, ताकि अगले 8, 10, चाहे 15 साल लग जाएं मेहनत करते करते, सुबह सुबह इतने गुलाब तोड़ के घर पे रख दो, इससे बढ़िया फीलिंग क्या होगी? घर में चारों तरफ परफ्यूम छिड़कना नहीं पड़ता, तरह तरह के फूल, बहुत सारी हर्ब्स, पता नहीं क्या आपको मोटिवेट कर जाए। मुझे ये चीजें ज्यादा मोटिवेट करती हैं, पेरेंट्स को भी। पर इसके पीछे रीजन ये है, दिन रात बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, कभी ये नहीं कहा मैं थका हुआ। जब हम ट्रेनिंग करते थे बहुत बड़ी टीम कहती थी, सर आधे बंदे रह गए, कोई बात नहीं दोबारा ले आओ, गला बंद, बंदे दोबारा ले आओ, कोई बात नहीं, राइट? सो ऐसी बड़ी बड़ी रीजन मीटिंग है इन चीजों का रीजन, इस ग्रोथ का रीजन। कई बार बस दूर से देखकर लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है, कभी साथ चलें पता चल जाएगा। कि सर्दियों में मंदीप कंबोज के शूज के अंदर जो ऑफिस की पिक दिखा रहा था, सर्दियों में शूज गीले होते थे पसीने से। एक बार पसीना बहा लो, एक बार मेहनत कर लो, तो धीरे धीरे मेहनत की लगातार ट्रेनिंग्स, मेहनत मेहनत मेहनत, पूरा इंडिया में हर कोने में पहुंच जाना ट्रेनिंग देने, टीम्स बुलानी हर कोने से उनको ट्रेनिंग, सुबह से लेकर शाम तक 9-9 बजे तक जनरल ऑफिस में ट्रेनिंग रहती, अगले दिन फिर ट्रेनिंग। घर वाले पूछ रहे हैं खाना क्या ये, मैंने कहा कोई पता नहीं, बस पीपीटी में ये नहीं अभी ये, डालने दो, पानी यहां रख दो, रोटी यहां रख दो, बस ये करना। करते करते छोटी छोटी कार्स टीम में आना शुरू हो गई, बाइक से चेंज हुई, कार्स आ गई, कार फिर धीरे धीरे कुछ कार्स बड़ी हो गई। मनिंदर जी मेरे कजन, जब इनका फॉर्म भरा तो पूरे रिलेटिव्स, छोड़ दो भाई इसको, उसकी जॉब चलने दो, तुमने अपनी छोड़ दी। मेरे मदर ने भी कहा भाई इसको तो छोड़ दो, थैंक गॉड मैंने छोड़ा नहीं। आज हम दोनों भाई मिलके जब घूमते हैं, सारी टीम मिलके जब फॉरेन में घूमते हैं, तो जो मजा आता है मैं बयान नहीं कर सकता। ऑडी A6 कैसी कार है जी, वे टीम्स में आई, पर इसके पीछे सालों की दिन रात मेहनत, टीम की कमिटमेंट, दिन रात एक कर देना। जसप्रीत जी की आवाज सुन रहे थे भाई आप, वो ऐसे माइक पे ट्रेनिंग दे दे कर बैठी है। लोग अपनी टीम को कहते हैं और मीटिंग दो, मेरे को ये कहना पड़ता है अरे गला बचाओ, थोड़ा ध्यान रखो अपना। सारे टीम मेंबर्स हमारे एक से बढ़कर एक हैं। गर्ल्स ये बिजनेस नहीं कर सकती, तो आज हमारे पास बहुत लंबी लाइन है। आई एम सॉरी, मैं बहुत सारी गर्ल्स के साथ फोटोज हम कराएंगे नेक्स्ट टाइम, वी विल शो यू कितनी कार्स हैं हमारी टीम में जो गर्ल्स ने बाय करी हैं अपने पैसे से। पेरेंट्स आर प्राउड। धीरे 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 कार्स आनी शुरू हो गई, आई एम सो प्राउड। धीरे धीरे कार्स है ना, इससे पहले छोटी छोटी कार आई, ये रिसेंट जो कार्स आई हैं वो दिखा रहा हूं मैं, पर इसके पीछे फिर वही दिन रात ट्रेनिंग, कनेक्शन, जुड़े रहना। ओंकार जी XUV बाय की, जब बाय की तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, आदत होती है ना कुछ लोगों की, जब आप बहुत मेहनत करते हो कांटे बिछाने की, मनदीप ने जमीनें बिकवा दी, ऐसे वैसे वैसे, जबकि मैं टीम को ये बोलता हूँ पैसे कमाओ, बैंक में रखो, सेव करो, फालतू हो जाए तो कार लेंगे, कहते बिक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई वॉज वेरी बैडली हर्ट एंड आई एम प्राउड। चेक करते हैं, पता नहीं XUV बिकी या क्या हुआ, ये तो BMW लग रही है, रेंज रोवर, कैसी कार है ये? पर इसके पीछे बहुत मेहनत है। गुरिंदर जी मैं डिस्कस कर रहे थे कल परसों बैठे हुए थे, कहते जब ऑफिस में सीढ़ियां ऊपर चढ़ते थे ना, तो कई बार लोग कंधे के ऊपर पैर रख देते थे ऊपर वाले, और तब भी खड़े रहते थे कि ट्रेनिंग अटेंड करनी है।
कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। तो जो इसका बेस है वो अंडरस्टैंड कीजिए, वो ट्रेनिंग है। गुरविंदर जी, जसप्रीत जी, देख रहे हैं शुरुआत कहां से हुई, i20, अब BMW। पर वो इसके बीच का जो सफर है ना, वो बड़ा चैलेंजेस वाला है, बड़ी मेहनत वाला है, बड़ी भाग दौड़ वाला है। सो भाग दौड़, मेहनत, ये सारी चीजें हमें आगे लेकर जाती हैं। इट्स नॉट वर्किंग। गुरिंदर जी, रेड मर्सिडीज। मानप्रीत औजला जी, फोर्ड। और देखिए, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, जैसे अभी सुनील सर ने बोली वो बात, हमारे पेरेंट्स बार 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 बार, मैं तो अपना चेक भी दिखाता हूँ, वॉइस मैसेज भेजता हूँ, पेरेंट्स तब भी टोकते रहते हैं, इतनी बड़ी बातें इतनी। मैंने कहा मिली कार तो दिखानी तो पड़ेगी, अब क्या करें, कार छिपा के रखें, हमें कोई कार नहीं मिली, दिखानी पड़ती, शायद कोई सपना ले ले, अगले 5, 7, 10 साल मेहनत करके, दिन रात एथिक्स के ऊपर काम करके ले ले। और जो बात हम कर रहे थे, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते जाएंगे ना, तो जितने मर्जी कांटे बिछा दे, लोगों ने बहुत कांटे बिछाए, पर मैं उनका बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं, उनकी वजह से फिर मेरी रफ्तार 1000 गुना हो गई। सो आई एम सो थैंकफुल टू देम। सबके अपने कर्म हैं, हम अपना काम अच्छा करते जाएं, वो हमारे साथ है, कभी ना रुकें, मेहनत करते जाएं, चैरिटी सिखा रहे हैं आज लोगों को। और याद रखिएगा, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि यहां आए, फॉर्म भर दिया, बस ये कर दिया, बस एकदम ऐसे कर दिया, कुछ कर दिया। नो, अगर आपने यहां पे काम करना है तो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, सपने बड़े देखें, 5 साल 10 साल 15 साल बाद ये चीजें हो सकती हैं आपके लिए भी, बट उसके लिए दिन रात की मेहनत। स्लो इज द रियल फास्ट, ये याद रखिएगा, ये हमें MBA में सिखाते थे, स्लो इज द रियल फास्ट। आज मेहनत करते करते पता नहीं चला, कभी सपना नहीं था कि मैं टॉप में आऊं, पर जब मैं आया तो मुझे चिंता थी मैं टॉप में आ गया हूं। भाई मेरी टीम वाले रोटी कैसे खाते होंगे कि भाई ये तो टॉप में पहुंच गया, पर हमारी तो दाल रोटी के पैसे नहीं, हमें घर से गालियां पड़ रही। इसीलिए उस चिंता के साथ आज भी, टुडे आई एम वेरी फ्री, आई हैव लैंड इन फिरोजपुर, जलालाबाद, वो चीजें भी अभी हम सोच रहे हैं उसको शिफ्ट करें चंडीगढ़ में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, ऑफिस है, सब कुछ है, ह्यूज मनी। बट आज भी मैं चिंतित करता हूँ अपने आप को कि भाई टीम टीम टीम, देखो कहाँ किसको नीड चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, किन चीज़ों की कमी लग रही है, जो डिजर्व करता है, जो एथिकल है, जो सिस्टम फॉलो करना करता है, उसके लिए हम दुनिया भर के सारी स्किल्स हम देंगे। इट इज़ अ ड्यूटी। जब हम बहुत पैसा कमा लें तो सोने की प्लेट में खा सकते हैं, पर सोना नहीं खा सकते, पता आपको, खाना फिर वही पड़ेगा, दाल चावल। जब ये समझ आ गई, खाने के लिए आदमी पैसा कमाता और खाना मजे से ना खाए, कोई फायदा नहीं ऐसा खाना खाने का। पर आप खाना ये सोचकर खाओ, जब आप मोबाइल उठाओ उसमें 500-700 मैसेज, थैंक यू, लव यू सर, थैंक यू सर, लव यू सर, ऐसे हो, तो कितना मजा आता है कि यस हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, दूसरे उसका फायदा ले रहे हैं, दूसरों की कोई हेल्प हो रही है। सो आज हम प्रण करें, कुछ अच्छा अपने लिए करेंगे और कुछ दूसरों के लिए करेंगे। दिन रात एक कर दें, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बट सक्सेस डे मुझे लग रहा है पहले ही थोड़ा डिलेड चल रहा है, बट आई एम श्योर आज अगर आपने ड्रीम बना लिया, जो आपको दिखाया गया उसमें से कोई भी स्लाइड आपके माइंड में आ गई, यू कैन डू वंडर्स। मजा आया जी सबको? हैंड्स वेव करके बताइए मजा आया सबको? सबको? ऑल आर एक्साइटेड? क्या बात है। सो हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आज हरीश सर को, एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हरीश सर को। वो होते तो आज बहुत ज्यादा एंजॉय करते कि आज इतने लोग एक्साइटेड हैं। एक बार आप दिखा दीजिए, हरीश सर तक ये मैसेज पहुंचाएंगे हम सब लोग हरीश सर को मिस कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ जो दिन रात दौड़ते हैं। कल भी आधी रात के आसपास बात हो रही थी आकाश जी से, और वो कहते हैं मैं यहीं पे हूँ, हम तो इवेंट्स इंजॉय कर रहे हैं, चेक्स इंजॉय कर रहे हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो दिन रात हमारे लिए पीछे यहाँ बैठा हुआ काम कर रहा है, दिन रात हमें ईमेल्स कर रहा है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, दे आर गाइडिंग अस। थैंक यू सो मच आकाश सर, थैंक यू सो मच विकास सर, विशाल सर, मारवान सर, एंटायर स्टाफ, गुरपिंदर जी, वो हमारा बैकएंड है, दिन रात हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो जिसने भी जीवन में इतना सा भी योगदान दिया है ना, उसको हमेशा याद रखें।
सो मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ। और जब मैं आया था ना, तो चैलेंज चैलेंज चैलेंज, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, इस इंडस्ट्री की इमेज ऐसी है। मैंने कहा हम आ गए हैं इसमें, जब काम करेंगे तो इस इंडस्ट्री की इमेज को ऐसा बना देंगे, लोग बच्चों को बोला करेंगे कि भाई ये कर करना है तो ये काम कर, अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो। आज हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। इस इंडस्ट्री में स्किल्स की कमी है, नॉलेज एजुकेशन की कमी है, इनफॉर्मल वे में लगे हुए बस, है ना। तो वी विल गाइड यू, ट्रेन यू, जो स्किल्स आपको चाहिए वी विल गिव यू, ताकि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ पाए। हम सब एक हैं, ये याद रखिएगा, वी ऑल आर फॉरएवर, रेक्स सर का मैसेज याद रखिएगा। जब मैं फॉरेन में जाता हूँ तो जेन लिज बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें मिले, मैं, जगतारण सर, काफी लोग, हम थे ट्रिप पे हांगकांग में, उन्होंने वहां हमें बैठाया, इतना अच्छा गाइड किया। वी वर सरप्राइज्ड कि हम इनकी टीम से नहीं और इतना प्यार दे रहे हैं, अपने रूम में ले जाके हमें इतना कुछ गाइड कर रहे हैं। तब से मैंने सोचा था ठीक है, आज मैं टेंशन में हूँ, मेरे को प्रूव करना है, जो नौकरी छोड़ी है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे में मेहनत है, दम है, अपने दम पे मैं जीरो से फिर कहीं ना कहीं रोटी कमाने लग जाऊंगा, कहीं पहुंच जाऊंगा। और जब ये हो जाएगा सब कुछ, जब आई विल बी सेटिस्फाइड, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड आई बिलीव जब हम टॉप वन ये वो बनते हैं ना, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर हमारी जिम्मेवारी बन जाती है सबकी हेल्प करना। क्योंकि रेक्स सर का ये जो नारा था ना, वो सभी डायमंड मैनेजर फॉलो करते हैं। मेरा आज भी मेरी टीम के लिए यही होता है कि मैं अपना डायमंड बनने पे फोकस ना करूं, टीम में देखूं कहां चैलेंज आ रहे हैं, कहां कोई परेशान बैठा हुआ है, कहां किसी की रोटी नहीं चल रही, सबको एक बार सेट कर दें। तो डायमंड क्या है, जब दबा के मेहनत करेंगे 1.5 साल 2 साल 3 साल में डायमंड भी बन जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, वी विल बी क्रिएटिंग डायमंड्स, गॉड ब्लेस यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल आर एक्साइटेड, करेंगे कुछ बड़ा, वाओ, सभी एक्साइटेड, क्या बात है, पूरा हॉल, वाओ, सो अमेजिंग, इट्स सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।